बाहर कट दिया रा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी डीसीआई जरा हमारे साथ जा रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मेरी तेरे कल में पड़े नस नस करे। आप जो यूनियन काउंसिल पिंड भुर्ज से जो मोहतबर शख्सियात और ठीकरियों जैसे जो हमारे चौधरी मोहम्मद हनीफ एडवोकेट साहब, चौधरी अदरीस साहब पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा और जनाब बैरिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब चौधरी मुश्ताक साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल मीरपुर उनको और चौधरी मोहम्मद अली साहब एडवोकेट और चौधरी मोहम्मद अदरीस साहब एडवोकेट को भी पीटीआई में शमूलियत के लिए हार पहनाए या उनको जो है बैज है वो पहनाए। सफर तेरे जान सर, सफर तेरे जान सर, सफर तेरे जान सर, सफर तेरे जान सर, हमारे चकसवारी की शान और हमारे ताजरों की आन जनाब फारूक जरगर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत बबरकत और इस कायनात का मालिक जो सबका मालिक है। और इसके बाद मैं आज पीटीआई में शामिल होने वाले जितने भी लोग शामिल हुए चौधरी मुश्ताक साहब, चौधरी अनीफ साहब, चौधरी अदरीस शान साहब और इनके साथ जितने भी शामिल हुए मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं, वेलकम भी करता हूं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کی تقریب کے صدر چوہدری صابر دین صاحب میرے آپ کے سیز فائر لائن کے دونوں اطراف کے محبوب قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چوہدری صاحب आज हमारे काफिले का हिस्सा बने सब का एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल मीरपुर चौधरी मुश्ताक हुसैन साहब, चौधरी अली शान साहब का अभी बैरिस्टर साहब को इंग्लैंड से लाइव कॉल भी आई, चौधरी अनीफ एडवोकेट साहब, चौधरी अदरीस शान साहब, वजाहत मुश्ताक साहब, शबीर रुपयाल साहब, इश्तियाक साहब, जावेद साहब और उनके साथ दीगर तमाम लोग जो पिंडकुट यूनियन काउंसिल से आज हमारे काफिले का हिस्सा बने और स्टेज के ऊपर बैठे हुए मेरे पार्टी के मरकजी कायदी पंडाल के अंदर बैठे हुए पीटीआई के दोस्त बुजुर्ग और नौजवान आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूं आज। और उसके साथ साथ मैं आज जो लोग हमारे काफिले का हिस्सा बने जिन्होंने मुझ पर मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पर हमारे कायद इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया उनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह व तआला अज़ीज़ पीटीआई की क्यादत आपकी तवक्कुआत इंशाल्लाह पूरा उतरेगी।
ये आगे मुकर्रीन ने कुछ हवाला जात दिए कि 1991 में जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब इलेक्शन हारे थे, वो भी बरस सुल्तान महमूद चौधरी साहब की हदायत पे एक नक्शा तरतीब दिया गया था जिसके मरकजी किरदार बाबाए चकसवारी चौधरी शरीफ वरून थे। आज उनका सारा खानदान हमारे काफिले का हिस्सा बना और आज 2021 है। इस स्टेज की वसात से आप तमाम दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह ताला अजीज ये सीट पीटीआई की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, 46 साल से 1985 से लेके 2016 तक, और बल्कि ये जो असेंबली की मुदत पूरी हुई तकरीबन 46 साल, इस हलके के लोगों ने चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे बे इंतहा इत्माद किया। हर उनकी कॉल के ऊपर लबैक कहा, उनको वोटों से लाद के असेंबली के अंदर भेजा। लेकिन जिस वक्त वो असेंबली में पहुंचे, आप देखें वो वजीर बने, स्पीकर बने और वजारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर बराजमान हुए। लेकिन जब उनको वजारत उज़्मा मिली तो उनका असल चेहरा अल्लाह की जात ने आप सबके सामने खोल के रख दिया। ये मेरे महबूब का स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, तकरीबन 20 साल हो गए इनको, इनकी वजारत उज़्मा को खत्म हुए हुए, लेकिन आज भी जिस जगह जाते हैं इनकी एक झलक देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आता है। ये इस बात की दलील है कि ये लोगों के दिलों में बसते हैं, कश्मीरी कौम के दिलों में बसते हैं, और दूसरी तरफ चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपने बेटों के दिलों में भी नहीं बसते। मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि उनके घर के अंदर लड़ाई है कि ये इलेक्शन कासम अगर लड़ेगा तो अगला इलेक्शन मैं लड़ूंगा, अगला इलेक्शन मैं लड़ूंगा। वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो वरासती सियासत को खत्म करने का दावा लेके अमली सियासत के अंदर आए थे, आज क्या उनको पीपल्स पार्टी के अंदर गुलाम रसूल अवामी साहब नजर नहीं आए? क्या उनको शेख फारूक साहब नजर नहीं आए? क्या उनको बाबाए चकसवारी के फरजंदे अर्जमंद चौधरी मुश्ताक साहब नजर नहीं आए? उनको अगर कोई नजर आया है तो अपना ही बेटा नजर आया है, जो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक पीडी मेंबर बन सके। वो कहां का एमएलए बनने जा रहा है? चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो। 45-46 सालों से आपने अपनी सियासत की बुनियाद एक झूठ पे रखी, और वो झूठ ये था, वो झूठ ये था कि आपने मेरे खानदान के मुतलका इल्जाम की पुछाड़ की। आपने ये कहा कि ये जो कल्याण वाले लोग हैं ये गासिब हैं, ये जागीरदाराना ज़हनियत रखते हैं, ये सरमायादाराना सोच रखते हैं। आप गवाएं, आप लोग गवाएं, अगर किसी ने इस खित्ते के अंदर शराफत और रवादारी की सियासत की वो कल्याण और चाचियों वालों ने की है। ये लुटेरे हैं, ये गासिब हैं, ये जागीरदाराना माइंड सेट रखते हैं, ये करप्ट है, ये मुनाफिक है, ये नौसरबाज है, ये बदमाशियां करते हैं और ये आवाम का पैसा लूटने वाले हैं। ये कहां पे दावा कर सकते हैं रवादारी की सियासत का? अल्लाह के फजलो करम से चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपने ये कहा था, गुलाम रसूल अवामी साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने इस कल्याल खानदान को उस जगह पे लेके आ गया हूं कि अब इनके पास 50 या 60 वोट भी नहीं रह गए और ये काउंसलर नहीं बन सकते। पिछले इलेक्शन के अंदर इस हलके के अवाम ने भरपूर इत्माद करते हुए 5000 वोट दिए, और अब बफ़ज़ले खुदा मेरी क़यादत के तुफैल, मेरे रब करीम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, यही अवाम यही लोग इस शख्स को MLA बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। आप तामीर और तरक्की की बात करते हैं,
कौन सी तामीर और तरक्की। अगर रोड्स की हालत देखनी है आप लोग गवाएं जाएं की अपाई यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ को देखें, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पैसे साहब पक्की रोड है जिसके इतने बुरे हालात देके बयान से पाए हैं। आप चिकसवारी की सड़कें देखें, इस यूनियन काउंसिल के जिसमें हम खड़े हैं इसकी सड़कें देखें, और इसके अलावा बाकी तमाम हल्के के अंदर की रोड की हालत देखें। इनके पास 5 साल वजारत योजना थी। आप चकसवारी रूरल हेल्थ सेंटर की हालत देखें, इस्लामगढ़ रूरल हेल्थ सेंटर की हालत देखें, तमाम फर्स्ट एड पोस्टों की हालत देखें, तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स की हालत देखें। इसके हल्के के अंदर जितने स्कूल्स हैं या उनकी इमारतें नहीं है या उनके अंदर स्टाफ पूरा नहीं है। हां अगर कोई काम किया है तो आपने रोडें बनवाई हैं उसमें से आपने कमीशन खाए हैं। अगर कोई काम आपने किया है तो आपने नौकरियां बेची हैं, आपके बेटों ने पैसे लिए हैं। अगर कोई आप काम आपने किया है तो घर घर के अंदर आपने लड़ाई डाली है। क्या खूबसूरत काम मेरी क्यादत ने किया कि इस कुंबे इस कबीले को चौधरी मुश्ताक साहब के खानदान को यकजा हुए ये, इसी तरह इस हल्के के अंदर मेरे कायद बरसर सुल्तान महमूद के क्या बाबरकत पांव पड़े कि कम अज कम 6 से 7 फैमिलियों ने अपने राजीनामे किए। पैसा मैं आने वाले जल्द उनके अंदर अनाउंस करूंगा। ये होती है क्यादत जो लोगों को जोड़ती है। इसको क्यादत नहीं कहते जो घर घर के अंदर लड़ाई डाले, भाई को भाई से लड़ाए, बच्चों को वालदैन से लड़ाए, और सिर्फ किस चीज के लिए कि आप लोगों को लड़ा के आप उनके पास जाएं राजीनामों के लिए थाने कचहरियों के लिए, और फिर आपको ब्लैकमेल करके आपसे वोट लिए जाए और इख्तदार के अंदर आया जाए, और इख्तदार के अंदर आपके लिए नहीं आया जाए, इख्तदार के अंदर अपनी तिजोरियां भरने के लिए आया जाए। ये बातें करते हैं, इनसे पूछे आपका कारोबार जिंदगी क्या है, आज आपके महलात ये कहां से बने, ये सियासत आपका कारोबार है। लेकिन मैं ये समझता हूं ये सियासत ऐन इबादत है जिसको मेरा कायद बरसुल सुल्तान महमूद चौधरी कर रहा है, मेरा कायद इमरान खान कर रहा है, और ये शख्स इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ करेगा। मैं एक और बात, आज इस वक्त चौंका इलेक्शन का माहौल अपने आखिरी फेज के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है, और तमाम पार्टियां पूरे अपने जोर लगा रही हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, ये उनका हक बनता है। लेकिन जिस किस्म की तकारीर इनके जलसों में हो रही है, इनको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, मुझे कोई सियासत ना सिखाए। 80 साल से ज्यादा मेरे खानदान का सियासी विरसा है, हम गवादारी और शराफत की सियासत करते हैं, और मुझे कोई आंखें भी ना दिखाए, आंखें नोचना चाहता हूं। ये सब देखे हुए हैं मेरे खानदान के देखे वाले बाजू हैं जो ये कहते हैं कि हम पोलिंग स्टेशन पे नहीं आनेंगे। मैं उनको कहता हूं मैं आपको घर से नहीं निकले दूंगा, और गुजारिश करूंगा आप सबसे चुकन्ने रहे, इलेक्शन पर फजल खुदा हम जीत चुके हैं, अब हमने 25 जुलाई को पल्ले के ऊपर मोरे लगानी है, और आखिरी वोट के पोल होने तक आप भाइयों से ये गुजारिश है पोलिंग स्टेशन पे रहें, रिजल्ट्स कलेक्ट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अजीज एक जुलूस लेके ये सीट तोहफे में अपने कायद बरसु सुल्तान महमूद चौधरी के पास लेके जाएंगे। तामीर और तरक्की की बात करते हैं, मैं आज इस स्टेज की वसादत से अपने कायद बरसु सुल्तान महमूद चौधरी साहब की इजाजत से आपसे ये वादा करता हूं कि चकसवारी और इस्लामगढ़ के अंदर 2 नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। ये जो तहसील की मेरे दोस्तों ने बात की, ये इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ पूरे हल्के की मुशावरत से हम तहसील इस हल्के के अंदर आगे मुझे बैसे सामने ओके किया इस बात के ऊपर, और मैं सलूट पेश करता हूं बैसे सुल्तान महमूद चौधरी को कि इस हल्के के अंदर हम तहसील लेके आएंगे, जगह का तय हम बाद में करेंगे। इसके अलावा एक टेक्निकल
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इस हल्के के अंदर बनाएंगे। और मेरे कायद बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने, राजा फजारत क्यानी साहब जब हमारे काफले का हिस्सा बने तो इस्लामगढ़ के अंदर इन्होंने ये ऐलान किया था कि इस हल्के को जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो सुई गैस भी देंगे। और ये दुनिया जानती है कि बरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब गलत वादा नहीं करते। और एक बात आज आपको स्टेज की वसादत से शेयर करना चाहूंगा कि मीरपुर के पकिया सेक्टर जो जिनमें अभी तक गैस नहीं पहुंची थी, जब उसका सर्वे करवाया गया तो बरसे साहब ने उसके अंदर खालकाबाद को शामिल करवाया। खालकाबाद का सर्वे मुकम्मल हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह ताला अजीज हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ना सिर्फ खालकाबाद के अंदर बल्कि पूरे हल्के के अंदर हम सी गैस लेके आएंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ये जॉब्स देने की बात करते हैं, मुझे एक बंदा ये गिनवा दें जो गजेटेड इन्होंने भर्ती किया हो और जो 500 से जायद इन्होंने आरजी नौकरियां दी, 536 प्लस वो नौकरियां थी, वो आज लोग धक्के खा रहे हैं और अभी भी झूठे नारे लगा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अब इनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है, मुस्तकबिल सिर्फ पीटीआई का है। बाहर निकले, बल्ले पे मोहर लगाए, इस हल्के से पीटीआई को जिताए। आपसे ये सच वादा करता है कि आपके तमाम मसाइल आपकी दलील के ऊपर इंशाल्लाह ताला अजीज हल करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने तमाम दोस्तों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम नौजवानों का जो आज इस पंडाल के अंदर आए, हम सब की हौसला अफजाई की, हमारे कायद को बताया कि पीटीआई कितनी स्ट्रांग है, ये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ जो लोग आज हमारे काफले का हिस्सा बने उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे प्रेस के जो सहाफी यहां पे बैठे हुए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी नासर हो। वस्सलाम। साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को खिताब देने जा रहा हूं। एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे लीडर को, एक ऐसे फरजंद कश्मीर को जो बोले तो जुल्म के हिवानों में सिलसिला बर्पा हो जाए, वो जात जिसका पैकर मजदूर का लीडर, गरीब का तहफ़ कश्मीर की आन, लाखों दिलों की धड़कनों की हथेलियों पर चलने वाला चाल, ये कायद कैसा कायद है? ये तो उन जज्बों का वारिस है, खुशबू बन के बिखरे थे, मुस्तकबिल का वजदान है ये हासिल लाख दुआओं का, अरमान का, सारी माओं का, ये फखर के बकर की बहनों का, अजर का तमाम जवानों का, मजदूरों और किसानों का, ये कब्र की अंधी दीवारों को मुरक्के रस्ते खुशबू के, ये खुशबू फिर भी चलेगी, ये जो मुसाफिर कर्दों का जिसे बादल से टकराना है, हम कल भी गाने गाए थे, हमें आज भी गाने गाना है। मेरी मुराद सुल्तान महमूद चौधरी साहब चली, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कायदीन मोहतरम, मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आज जनाब चौधरी मुश्ताक साहब, अदरी शान साहब, चौधरी अनीफ साहब और दीगर तमाम कायदीन और उनके साथ जो सैकड़ों लोग जिनका पूरा आज मुश्ताक साहब वक्त की कमी की वजह से ऐलान भी नहीं कर सके, उन तमाम दोस्तों का मैं पीटीआई में शामिल होने पर उनको खुशामदीद कहता हूं और उन्हें यकीन दिलाता हूं कि वो जो तौकात लेकर आज इमरान खान की क्यादत में पीटीआई में शामिल हुए हैं इंशाल्लाह ताला कभी मायूस नहीं होंगे। और इससे कबल गुलाम रसूल अवामी साहब, फारूक जरगर साहब भी पीटीआई में शामिल हुए और उससे एक बहुत बड़ा, और मैं साथ ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने साथी, हालांकि ये बड़ी अहम शख्सियात हैं इस इलाके की, वो गैर मशरू तौर पर पीटीआई में शामिल हुई है और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह वो गैर मशरू तौर पर पीटीआई में शामिल हुए हैं, इसी तरह हम भी गैर मशरू तौर पर उनकी इज्जत भी करेंगे, हमारी पार्टी के लिए और हमारी हुकूमत का हिस्सा भी बनेंगे। तो आज तमाम इन दोस्तों के
और जिस तरह बात की गई कि सारा खानदान कुंभा इकट्ठा हो गया है, आज इनकी शमूलियत से मेरे मुंह से कोई तकबर ना निकल जाए। मैं समझता हूं कि जफर अनवर साहब मेंबर असेंबली बन चुके हैं और इस हल्के में जो खेल खेला जा रहा था वो कद पजीर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जैसे दोस्तों ने भी कहा, इलेक्शन को बाहर आ रहा, इलेक्शन समझना चाहिए और जब तक आखिरी पर्ची नहीं गिनी जाती उस वक्त तक आप अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी और सारी रखें। इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ चकसवारी में पीटीआई और जफर साहब के हक में जो एक रुझान चला है, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर में जा रहा हूँ, यही रुझान तकरीबन हर हल्के में मौजूद है और तमाम लोग पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं। और मैं बड़े एतमाद और यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ आज कि जो मैंने देखा है, इंशाल्लाह पीटीआई दो ताई अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। तो जब दो ताई अक्सरियत से हुकूमत बनाई जाएगी तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त हम मजबूती के साथ, एतमाद के साथ, क्योंकि हमें किसी अलायंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोलिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम फिर यहाँ पर आजाद कश्मीर और बिलखसूस हल्का चकसवारी में बेहतरी लाने के लिए हम इंशाल्लाह ताला अपना काम करेंगे। और यहाँ पर जफर साहब भी कह रहे थे और मैं उसमें सिर्फ इजाफा यह करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने इमरान खान साहब से मंजूरी ली हुई है वो मीरपुर में एयरपोर्ट का है, क्योंकि मीरपुर में एयरपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कैनेडा में, मिडल ईस्ट में, वो जो यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजते हैं ज़ेर मबादला की वजह से आज पाकिस्तान की जो इक्तसादी हालत है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत हमारे ज़ेर मबादला बनता है। और मीरपुर में के लोग बाहर भी बहुत ज़्यादा हैं, इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, चाहे वो मुतासरीन मंगला डैम हो या मुख्तलिफ हो, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बन सका, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसके आड़े आती रही। लेकिन आप इंशाल्लाह ताला मीरपुर में एयरपोर्ट बनेगा। और आप जानते हैं कि जब अभी मीरपुर में एयरपोर्ट नहीं है, इस्लामाबाद या लाहौर से जो लोग वहाँ एयरपोर्ट्स पर आते हैं, मीरपुर पहुँचते पहुँचते उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, उस पर हमने बहुत जगह आवाज़ भी उठाई लेकिन अभी तक वो मुश्किलात कायम है। तो एक तो एयरपोर्ट का जो मंसूबा है वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल वो तैयार है। दूसरा, उन्होंने सुई गैस की बात की, मीरपुर में सुई गैस मैं लाया था और मैंने उस वक्त जो बुनियादी तौर पर पाइप होते हैं वो मैंने बड़े इसीलिए रखवाए थे कि वो चकसवारी, डुड़ियाल, यहाँ तक कोटली तक भी सुई गैस जाए तो दोबारा हमें वो नए पाइप न लाने पड़े। लेकिन जब से मैं वजीर आजम नहीं रहा, यहाँ तक कि मीरपुर के कुछ इलाकों में भी, वो न्यू मीरपुर सिटी है, बनहुरमा है, मीरपुर के जो देहात हैं वहाँ भी सुई गैस नहीं है। अभी मैंने सर्वे कराया था तो जैसे जफर साहब जिक्र कर रहे थे, खालकाबाद या कुछ और हिस्से भी, वो मैंने रखवाए इसीलिए थे कि यहाँ चकसवारी में भी जो सुई गैस है वो जल्द अज जल्द आ सके। तो इंशाल्लाह सुई गैस का महकमा चूँकि वफाकी है और चूँकि मैंने मंजूरी ली हुई है और हुकूमत पाकिस्तान फंड्स भी देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर उसको पूरा तामल ना करे, उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो सुई गैस आ नहीं सकती थी। और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो है ही मीरपुर दुश्मनी पे थी, तो इसलिए यहाँ पर गैस नहीं आ सकी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह सुई गैस भी यहाँ पर आएगी। रोठोया रेम ब्रिज है, ये एक छोटा सा पैच पड़ता है और इसके भी पैसे वफाकी गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, लेकिन वो छोटा सा पैच ये नहीं डाल सके। मैंने और वजीर अमूर कश्मीर ने दौरा करके कोशिश भी की, लेकिन फिर वही बात आती है कि आज़ाद कश्मीर का अपना सिस्टम है, हमारा अपना आइन है, हमारे अपने डिपार्टमेंट्स हैं,
वो जब तक हुकूमत आजाद कश्मीर तावन न करे उस वक्त नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह रठोया रिहा ब्रिज भी इंशाल्लाह जो ही पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी वो हम करेंगे। इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ। तो यहाँ पर दीगर दोस्तों ने भी बात की, अदरी शान साहब बात कर रहे थे कि जो आम आदमी है उस तक इख्तियार जाना चाहिए, और मेरे कायद इमरान खान का जो विजन है वो है भी यही कि इक्तदार जो है वो निचली सतह तक जाना चाहिए। जब हम निचली सतह की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि नौजवानों तक जाना चाहिए, खवातीन तक जाना चाहिए, नौजवान अपने स्टूडेंट्स तक जाना चाहिए, और साथ साथ जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उन तक जाना चाहिए। और मैं ये जिम्मेदारी से आज ऐलान कर रहा हूँ कि पीटीआई की हुकूमत आने के 3 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन होंगे। तो फिर जैसे दोस्त कह रहे थे कि जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो बलदियाती नुमाइंदे इसीलिए होते हैं कि वो हल करें। असेंबली मेंबर के कुछ बड़े काम हैं लेकिन वो चूंकि बलदियाती नुमाइंदे नहीं हैं तो वो भी फिर लोग तो करते हैं कि वो मेंबर असेंबली से वो सारा किया जाए। तो इंशाल्लाह हम बलदियाती इलेक्शन भी करवाएंगे और यहाँ पर बेहतरी की सूरत हाल वो लाएंगे। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनने जा रही है। जो मजीद साहब के बारे में दोस्तों ने कुछ बात की, मेरा एक अपना वो मजाज है जब उन्हें व्हीलचेयर पे देखता हूँ और उनको जो लोग इस दफा उनके बारे में कह रहे हैं मुझे उन पर तरस आता है, यकीन करें, क्योंकि है तो वो तरस के काबिल इंसान नहीं है लेकिन मेरा जो मजाज है वो तरस वाला है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इलेक्शन में, ये काफ़ी दोस्त जो आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, चौधरी मजीद साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं, उसमें फरूख जरगर साहब भी हैं, अवामी साहब भी हैं, मुश्ताक साहब भी हैं, चौधरी अली शान उनके बेटे भी हैं, सब लोग शामिल थे। उन्होंने अदालत आई है जे वोटा कोई ज्यादा बहुत है और दुआ जेडे गुर सिखे हुए उन्होंने चौधरी मजीद को लू वो भी कोई थोड़े थोड़े इस्तेमाल करो ताकि जफर अनुभव लीड ना जीता। तो मैं आखिरी तुसें आखसा कि जफर अनवर साहब ना सिर्फ मेंबर असेंबली या पार्टी ने आम आदमी साढ़े सीनियर नायब सदर भी हैं, माड़ी दस्ते रास्त भी हैं, और इंशाल्लाह ताला जड़ी भी गवर्नमेंट बनसी उस विचों जब तक शामिल ना हो सन तक कोरम पूरा नहीं होने। इस वजह से भी मैं तुसा की आखसा कि तुम अपना 5 जुलाई बल्ले पर मोहरम मारो जफर अनवर साहब की भी जिताओ ताकि सारी जी टीम है वो हुकूमत च आई सके। और मैं जिस तरह इब्तदान भी आख्या जेडे तुसी सारे लोग है शामिल हो इंशाल्लाह साड़ी जमात और साड़ी हुकूमत ने टीम ने हिस्सा उसो और असी इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर विच भी असी बेहतरी आने की कोशिश कर सा। और आज़ाद कश्मीर बुनियादी तौर पर आज़ादी ना बेस कैंप है, इस वजह से असा कश्मीर नी आज़ादी ते भी। और इमरान खान साहब कश्मीर ने सफीर बने उन्हें जाए के यूनाइटेड नेशन विच जनरल असेंबली विच कश्मीरियों ने गल की, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स विच गल की, उन्हें इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस विच गल की। इस तरह मैं भी कोशिश करना रहा और सारे मीरपुर ने खासकर चकसवारी ने लोग हैं जेडे ये उतें बैरून मुल्क रह के जलसे जुलूस इंडिया के खिलाफ अपने मुजाहरे भी करने रहे और उतें पार्लियामेंट्स विच भी जाके इतने गल करने रहे। और अज इस वजह तू मोदी मजबूर होया और अज 23 तारीख है, कल 24 तारीख मोदी है जड़ा उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है इंडिया ने और उस जड़े 5 अगस्त 2019 विच उत्थे उस जड़े इख्तियारात मकबूजा कश्मीर ने वापस के दे सन 370 आर्टिकल और 35 ए लाई के उस खत्म करी छोड़े सन और दोबारा उन्होंने इख्तियार देने ना सोची रहा। उस इस कॉन्फ्रेंस बुलाई है
इस वेल असी इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क्यादत कश्मीर की आजादी से भी अगै बदसा, आजाद कश्मीर की इकतसादी तौर पर मजबूत करने से भी अगै बदसा, और फिर ये छोटे बड़े जो मसायल हैं इंशाल्लाह ताला ये भी हल कर सा। सिर्फ उस हूँ कोई ज्यादा महीनों ना फर्क नहीं रहा, सिर्फ दिहाड़े ना फर्क है। सिर्फ 5 जुलाई तक तुसी भरपूर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाओ, और 5 जुलाई की हमारे साथी और भाई जफर अनवर की अक्सरियत नाल जिताओ, ताकि असी बल्कि इतनी अच्छी तुसी उसकी पोजिशन करो कि बाद हल्कों में जो जफर अनवर साहब ने मैं जिता जिसे जाना डिमांड भी है, ताकि ये कुछ ना कुछ टाइम बाहर भी दे सकन, हो दो हल्कों में भी उतना ही दे सकन। जे तुसी सारे जिस तरह लगे हुए, और मेरी यकीन है अज इस तरह चो मुश्ताक साहब और दीगर सारे साथी शामिल होए, मिगी यकीन हो गया कि इंशाल्लाह तुसी हुण सीटें जितो, लेकिन फिर भी तुसां ईजी नहीं करना इलेक्शन डे, ताकि मुहिम जारी रखो, ताकि असां फिर तक ऐसी हुकूमत बनाइए। और मैं समझना कि मीरपुर नाल भी जड़ा एक तवील अरसा होया सूई गैस की गल सी, जिथे मैं सूई गैस आती सी एक पाइप भी अगे 20 साल नहीं बनी सकिया, और दीगर भी जड़िया मुश्किलात हैं वो बदनिया गई। बेरोजगारी मीरपुर सब तू ज्यादा है, हालांकि इतने के लोग जड़े वो हर लिहाज में कुर्बानी भी ज्यादा देने, टैक्स भी ज्यादा देने। इंशाल्लाह मीरपुर में जो नौजवान हैं आजाद कश्मीर ने, बल्कि सारे जो नौजवान हैं, मैं उन्होंने भी यकीन दिलाना कि इंशाल्लाह उन्होंने जो रोजगार है उसना भी इंतजाम किया जा सी। तो मैं आखिरी तमाम दोस्तों का शुक्रिया, और जो साथी शामिल हुए उन्होंने खुश आमदेद आखिर जाना पड़ा। बहुत शुक्रिया जनाब आप लोग।